बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शंभुगंज धाड़ी पकरिया स्थित SKM कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में नामांकन के लिए मान्यता मिल गई है। मान्यता मिलने के बाद अब इस कॉलेज में ANM, GNM और BSc नर्सिंग की पढ़ाई के साथ प्रशिक्षण भी मिल सकेगा। इससे पूर्व इस संस्थान में इंटर स्तरीय विद्यालय के अलावा DLED, BEd का संचालन हो रहा था, जबकि अब नर्सिंग एवं पैरामेडिकल की पढ़ाई भी यहां हो पाएगी। इसको लेकर संस्थान के निर्देशक डॉक्टर मानवेंद्र गौतम उर्फ बाबुल ने कहा कि अब इस तरह के किसी कोर्स के लिए छात्र छात्राओं को दूसरे जगहों पर नहीं जाना होगा। उन्होंने कहा कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल की मान्यता मिलने से क्षेत्रवासियों को सुविधा मिलेगी और यहाँ के छात्र छात्राओं को नर्सिंग के लिए दूसरे प्रांतों में नहीं भटकना पड़ेगा। मानवेंद्र गौतम ने कहा कि यह सपना संस्थान के संस्थापक उनके पिता श्री कृष्ण सिंह का था, जो अब साकार हो गया है। वहीं इसके चेयरमैन डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, प्रबंध निर्देशक सुधीर प्रसाद सिंह एवं सचिव नीतू सिंह ने भी संस्थान की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किया, जिसके बाद उन सभी को सफलता हासिल हुई। इधर संस्थान को नर्सिंग और पैरामेडिकल की मान्यता मिलने पर विधान पार्षद सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, बेलर विधायक मनोज यादव, TMBU के सीनेट सदस्य डॉक्टर शैलेश प्रसाद सिंह समेत कई बुद्धिजीवियों ने भी खुशी व्यक्त की है। ITA अंग प्रदेश का वार्षिक सम्मेलन सह चुनाव रविवार को संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर संजय कुमार को सर्वसम्मति से ITA अंग प्रदेश का अध्यक्ष, डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह को सचिव और डॉक्टर नीलेश रंजन को कोषाध्यक्ष चुना गया, जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली चंद्र को इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुना गया। वहीं अध्यक्ष चुने जाने पर नवनियुक्त प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि ITA अंग प्रदेश अपनी सेवा के द्वारा समाज को अच्छी दंत चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं और आगे भी विशेष तौर पर सरकारी स्कूल के बच्चों को शिविर के माध्यम से ओरल हाइजीन मेंटेन करने एवं दंत रोगों से दूर रहने के उपाय के बारे में जानकारी दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अक्सर सरकारी स्कूल के बच्चे इस तरह की जानकारी से वंचित रह जाते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए स्कूल में शिविर लगाकर दांतों की जांच और उचित परामर्श दी जाएगी। नवनिर्वाचित सचिव डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह ने कहा कि उन लोगों ने एक संवेदनशील और सकारात्मक भूमिका निभाने का संकल्प लिया है, जिससे सभी लोगों को दांतों के रोग और इसके इलाज से संबंधित जानकारी के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मौके पर ITA के संस्थापक डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर सनातन, डॉक्टर जौहर साजिद, डॉक्टर गीतांजलि सिंह, डॉक्टर संजय कुमार और डॉक्टर अभिषेक समेत काफी संख्या में एसोसिएशन से जुड़े डेंटल सर्जन और दंत चिकित्सक मौजूद रहे। मकर संक्रांति को लेकर भागलपुर और आसपास के बाजारों में तिलकुट, तिलवा, लावा और चूड़ा समेत कई प्रकार के लड्डू, खिचड़ी, भोग का अरवा चावल, काला तिल के अलावा कई तरह की भोज्य सामग्री की दुकानों पर लोगों की भीड़ जुटी रही। वहीं रविवार को कई जगहों पर मकर संक्रांति मनाई गई, जबकि हिंदू पंचांग के अनुसार अधिकतर जगहों पर सोमवार को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। इधर मौसम में नमी और बर्फीली हवाओं के कारण सिरहन पैदा हो जाने से लोग ठंड से बचाव के लिए काफी सतर्कता बरत रहे हैं, जबकि मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व के बाद लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि बाजारों में तिल के बनी सामग्रियों की सौंधी महक लोगों को लुभा रही है और लोग अलग अलग तरह के तिलकुट और इससे जुड़ी सामग्री खरीदते दिखे। मकर संक्रांति को लेकर रविवार को पत्रकार एवं फोटो जर्नलिस्ट सम्मान समारोह सखिचड़ी भोज का आयोजन रविवार को भागलपुर के कला केंद्र में किया गया। ईस्टर्न बिहार फोटो जर्नलिस्ट क्लब एवं ईस्टर्न बिहार प्रेस क्लब भागलपुर की ओर से आयोजित समारोह में भागलपुर समेत आसपास के कई पत्रकार और फोटो जर्नलिस्ट ने हिस्सा लिया, जबकि इसके अलावा शहर के कई बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जगहों से आए वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हुए। समारोह के मुख्य अतिथि DSP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार और बिहार बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कंत मिश्रा समेत कई लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारिता से जुड़े कई महान हस्तियों और पत्रकारों को याद करते हुए इनके महत्व एवं जिम्मेदारियों को लेकर भी चर्चा की गई, जिससे देश और समाज के हित में बेहतर कार्य किया जा सके। DSP डॉक्टर गौरव कुमार ने कहा कि आज के दौर में पत्रकारिता के सामने कई चैलेंजेस हैं, जिसमें खबर की सत्यता और निष्पक्षता के साथ सही समय पर प्रकाशित या प्रसारित करना है। वहीं राजीव कांत मिश्रा ने कहा कि मकर संक्रांति पर भागलपुर समेत कई जगहों के पत्रकार एकजुट हुए और यहां पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर कार्य एवं समाज को योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। मौके पर अनुज कुमार शिवलोचन, राजीव सिद्धार्थ, शशि शंकर,
विशेष यारिया समेत काफी संख्या में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी मौजूद रहे। पत्रकारिता पूरे समाज को जागरूक करने के लिए बहुत ही सशक्त माध्यम है और ये समाज का निर्माण करती है, युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, हमारे अंदर ज्ञान का वर्धन करती है और ऐसे पत्रकार जिन्होंने इस समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया है और दे रहे हैं, वो सभी आज यहाँ एकत्रित हुए थे। उन लोगों ने मिलकर उन पत्रकारों का सम्मान किया जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन पत्रकारिता के क्षेत्र में लगा दिया है। हम सभी लोग उनके बहुत आभारी हैं। पत्रकारिता शब्दों के माध्यम से और फोटो के माध्यम से दोनों तरह से होती है। शब्दों के अपने जाल होते हैं और फोटो के द्वारा हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें वास्तविकता दिखती हैं। 6वें अध्याय में 26वें श्लोक में उन्होंने बोला कि मैं देवर्षि में मैं नारद हूँ और विष्णु जी ने जो भी लीला रची ये पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है कि पत्रकारिता भी है वो एक लीला है। लीला का मतलब एक डिस्कोर्स है। हर एक न्यूज का सेकेंड मैं, ये तो सबसे पहले उन्होंने बड़े भाई ने बताया तो मैं उस चीज़ को सोचा कि आप सबके सामने रखूं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज हम पत्रकार हैं और आज जो सबसे बड़े पत्रकार सबसे पहले पत्रकार उद्देश्य ये है कि हम पत्रकारों के पास कम समय रहता है, हम जब काम करते रहते हैं भटकते रहते हैं, तो एक छत के नीचे लाने का उद्देश्य हम लोग एक जगह बैठे आते हो, उस पर कुछ विचार हो और फिर आगे के लिए हम पत्रकारों के लिए कुछ नया प्लान बनाए और उसके बाद काम। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर में रविवार को मकर संक्रांति के पावर अवसर पर गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में मकर संक्रांति मिलन समारोह सदही जुड़ा भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आगत अतिथियों का स्वागत केंद्र की ओर से अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता, अरविंद कुमार राम, वासुदेव भाई, संजय कुमार एवं तकी अहमद जावेद के द्वारा किया गया। सर्वधर्म सद्भाव एवं प्रेम, भाईचारा और मिल्लत का संदेश फैलाने के लिए यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है। बता दें कि सभी धर्म के प्रति आदर, सम्मान एवं प्यार विकसित करने और सामाजिक सौहार्द कायम रहे, इसके लिए यह समारोह प्रतिवर्ष आयोजित होता है। मौके पर उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, पूर्व मेयर डॉक्टर वीणा यादव, डॉक्टर SP सिंह, डॉक्टर राहुल कुमार, महबूब आलम सहित काफी संख्या में शहर के नागरिक मौजूद रहे। भागलपुर शहर में भाईचारा, अमन, सर्वधर्म संभाव कायम रहे, इसके लिए प्रतिवर्ष की भांति गांधी शांति प्रतिष्ठान के तत्वावधान में मकर संक्रांति मिलन सह भोज का आयोजन बड़े धूमधाम और उत्साह पूर्वक किया गया। इसमें भागलपुर शहर के गणमान्य व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी धर्मों के लोग और सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर एक दूसरे के साथ गले मिले और दही चूड़ा भोज का आनंद लिया।
भागलपुर जिला जनता दल यूनाइटेड परिवार की ओर से मकर संक्रांति पर्व के पूर्व जदयू महानगर के पूर्व जिलाध्यक्ष सुड्डू साई ने जगदीशपुर स्थित आवास पर शनिवार को इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी दलों को एकजुट कर मकर संक्रांति की बधाई दी। इस दौरान सभी अतिथियों के लिए दही, चूड़ा, गुड़, तिलकुट और सब्जी के भोज की व्यवस्था भी की गई थी। मौके पर मौजूद राज्यसभा की पूर्व सांसद कहकशा प्रवीण ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस तरह यह त्यौहार ऋतु परिवर्तन का संदेश लेकर आता है, उसी तरह यहां मौजूद इंडिया गठबंधन की एकजुटता केंद्र की सत्ता परिवर्तन का संदेश सूचक है। वहीं कार्यक्रम में आयोजक गुड्डू साई ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि एक साथ इंडिया गठबंधन के इस हुजूम को देखकर उन्हें यह यकीन हो गया है कि अब अपने मिशन में सफलता हासिल हो जाएगी। मौके पर जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, राकेश कुमार ओझा, अनिरुद्ध मंडल समेत जिला के सैकड़ों सदस्य मौजूद थे। भागलपुर के सुल्तानगंज में भीरखुर्द गांव से नारदपुर तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत बन रहे सड़क में घटिया किस्म की सामग्री उपयोग किए जाने से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने मामले की जांच करने के लिए अधिकारियों को आवेदन दिया है। भीमखुर्द पंचायत के पूर्व मुखिया नकुल प्रसाद सिंह ने बताया कि एक हफ्ता पूर्व हुए PCC सड़क में ढलाई में निम्न क्वालिटी का सीमेंट, बालू एवं छर्री उपयोग किया गया है, जिस कारण सड़क की ढलाइयां उखड़ने लगी है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले को लेकर जब स्थानीय ठेकेदार से बात की गई तो उन्होंने सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक एवं अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। वहीं सड़क निर्माण के संवेदक रामबदन सिंह ने बताया कि विभागीय अधिकारियों के दिशा निर्देश में कार्य किया जा रहा है, गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। भागलपुर सुल्तानगंज में नगर परिषद सुल्तानगंज के द्वारा स्वच्छता को लेकर रविवार को मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू, उप मुख्य पार्षद नीलम देवी एवं अन्य कर्मचारियों के द्वारा स्वच्छता रैली निकालकर अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा घाट में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान राजकुमार गुड्डू एवं नीलम देवी ने बताया कि बिहार सरकार के निर्देश पर 14 से 21 जनवरी तक चलने वाले स्वच्छता अभियान को लेकर नगर परिषद सुल्तानगंज से जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर साफ सफाई अभियान भी चलाया गया। इस दौरान अजगैबीनाथ मंदिर के महंत सह नगर परिषद सुल्तानगंज के ब्रांड एम्बेसडर प्रेमानंद गिरी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर वार्ड पार्षद शोभा देवी, कुमारी साधना, रूबी देवी, विनोद रजक सहित अन्य वार्ड पार्षद एवं नगर परिषद के सफाई कर्मी मौजूद थे।